हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि। देसी स्वाद खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं सहजन के पत्ते की सब्जी मूंग दाल के साथ, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। आप एक बार ट्राई जरूर करना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहां पे मैंने कुछ सॉफ्ट वाले सहजन के पत्ते ले लिए हैं। पहले हम सहजन के पत्ते को वॉश कर लेंगे, देन हम पत्ते को अलग कर लेंगे इस तरह से। अब हम 2 टेबलस्पून मूंग दाल को कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। देखिए दाल यहाँ पे रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल के धो लेते हैं। देन कढ़ाई में धुले हुए दाल के साथ 1 कप पानी ऐड करेंगे एंड उसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक एंड हल्दी। मिक्स करके अच्छी तरह से हम कवर करके इसको कुक करेंगे। तब तक चलिए तड़के के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अनियन को कट करके ले लिया है। अब हम कुछ गार्लिक को क्रश करके ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कुछ सूखे लाल मिर्च भी ले लेंगे। चलिए हम अब दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए दाल यहाँ पे परफेक्टली कुक हो चुका है। हमें दाल को यहाँ पे ज्यादा पकाना नहीं है। हम दाल को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम सहजन के पत्ते को कट कर लेंगे। सहजन के पत्ते को पहले से कट करके नहीं रखना है, नहीं तो हमारी सब्जी जो है वो थोड़ी सी कड़वी बन जाती है। जब हमारी दाल कुक हो जाएगी तब हम सहजन के पत्ते को कट करेंगे, देन ऐड करेंगे दाल में। अब हम सहजन के पत्ते को इसी तरह से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से पकने तक कुक करेंगे। देखिए यहाँ पे सहजन के पत्ते जो है अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, दाल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल स्मोक होना शुरू हो जाए देन ऐड करेंगे 4 सूखे लाल मिर्च। लाल मिर्च को हल्की सी फ्राई कर लेंगे, देन ऐड करेंगे अनियन। अनियन को 2 मिनट फ्राई करने के बाद ऐड करेंगे क्रश्ड गार्लिक। गार्लिक को डालने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। देखिए गार्लिक का कलर चेंज हो गया है यहाँ पे। अब इस तड़के में सहजन के पत्ते की सब्जी को ऐड करेंगे। देन अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसे 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सहजन के पत्ते की सब्जी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ करके सर्विंग बाउल को निकालेंगे। ये जो सहजन के पत्ते की सब्जी होती है मूंग दाल के साथ, इस तरीके से बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे चावल दाल के साथ खा सकते हैं, पानी भात के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।